Hi guys, this side CM Pulsha. Today I am going to share with you what is forward contract. Quickly एक छोटा सा example लूँगा. Let's say I am a onion producer and मैं चाहता हूँ कि कोई onion मेरा दो महीने के बाद buy करे at the rate of 10 per kg. So some person might agree कि okay Vipul, I'll buy your onion after 2 months at the rate of 10 per kg. इसलिए उसको बोलते हैं forward contract. पर है ना, वो future में materialize होगा, आज मेरे को पैसा नहीं मिलेगा. बट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेस फेमस, ओके, बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशन. लिमिटेशन नंबर वन, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं, ये वन टू वन जाके निगोशिएट किए जाते हैं. इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, ओटीसी. तो अगर दो महीने के बाद अगर मैंने नहीं सेल किया या उसने नहीं खरीदा, सो नथिंग कैन बी डन. इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मच बेटर बिकॉज उसमें स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है. सो देर इज गारंटी फॉर बायर एज वेल एज सेलर, ये बोथ विल एग्जीक्यूट देयर कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मोर फेमस. एंड यहाँ पे इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देर इज नो रिस्क ऑफ नॉन फुलफिलमेंट, बट इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देर इज अ रिस्क ऑफ नॉन फुलफिलमेंट. एंड यहाँ पे कोई बायर सेलर स्टैंडर्डाइज नहीं रहता है, सो आई हैव टू सर्च बायर या एज वेल एज सेलर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई रिमेनिंग वीडियोज ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. थैंक यू सो मच.